हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में है अभी। जो एट प्रेजेंट जो टाइम है वो ऑफकोर्स जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो कि धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये काफी बड़ा अमाउंट आपको दे सकता है, काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है। सो गाइस, आज की बात करें 86.85 रुपए आज का हाई है। लो की बात करें आज के तो 84.70 रुपए आज का लो है। 52 वीक हाई की बात करें 113.40 रुपए इसका 52 वीक हाई है। लो की बात करें 47.25 रुपए इसका 52 वीक लो है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं गाइस, तो मैक्सिमम की बात करें तो किसी टाइम पर जो कि 200 रुपए के आसपास का सेव हुआ करता था, और एट प्रेजेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 85 रुपए के आसपास इसका फ्लेक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। सो गाइस, इसके अलावा अगर इसके एनालिसिस की बात करें तो चीज़ें काफ़ी बेटर है, इवन जो इसकी वीकनेस भी काफ़ी है। बट बात करें स्ट्रेंथ की, तो कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वहाँ पर जो शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। एंड वीकनेस की बात करें तो काफ़ी सारी वीकनेस यहाँ पर आपको नजर आ रही है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग, बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल, डीग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विथ हाई डेप्ट, प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, मेजर फॉल इन TTM नेट प्रॉफिट, रिसेंट रिजल्ट की बात करें डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। सो गाइज, ये सबसे बड़ा वीकनेस है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो काफ़ी हाई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज की, राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे एंड मंथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, डीग्रोथ इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट्स, इनसाइडर पोर्ट स्टॉक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसकी प्रॉफिट टू लॉस कंपनी, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, स्टॉक विद हाई पी। सो गाइज, एक चीज आपको ये काफी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर इनसाइडर काफी इसको बाय कर रहे हैं। सो गाइज, इसको इकट्ठा कर लेना चाहिए, ये फ्यूचर में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें आज की कल की, तो काफ़ी मोटी यहाँ पर सेलिंग आपको देखने को मिली है। बट आपके लिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या फिर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने शेयर को एवरेज बनाना चाहते हैं, तो या फिर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, धीरे धीरे करके इसके शेयर अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लें। और क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी मोटी क्वांटिटीज की ऑलरेडी हो चुकी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसके सेंटीमेंट की, तो सेंटीमेंट काफ़ी इवन बेटर नज़र आ रहा है। इवन 55% इसमें सेंटीमेंट अभी बन रहा है, जो कि बाय करने का 27% सेल और 18% होल्ड करने का इसमें सेंटीमेंट बन रहा है। सो गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसके जो फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल भी काफ़ी इवन बेटर है। इवन जो ऑफ कोर्स जो कि यहाँ पर जो मार्च क्वार्टर में जो कि रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बट काफ़ी बेटर है। इवन ज़्यादा डाउनफॉल यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी हल्का सा डाउनफॉल आपको देखने को मिला है। एंड सेम सिचुएशन यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में भी आपको नजर आ रही है। सो गाइस, होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो मोर देन 63% प्रोमोटर होल्डिंग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें यहाँ पर जो पब्लिक होल्डिंग की, तो अराउंड 20% होल्डिंग है। एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 6% से भी ज़्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो मोर देन 10.5% यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मार्च में देखने को मिली है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि एंट्री ले चुके हैं बड़े क्वांटिटी के साथ, तो 10.6% यहाँ पर होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की हो चुकी है। एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी 0.78% यहाँ पर होल्डिंग अपनी जमा कर ली है मार्च क्वार्टर में। सो गाइस, चीज़ें काफ़ी बेटर है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है नियर फ्यूचर में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसकी काफ़ी सारी न्यूज़ आई है, न्यूज़ जो कि फर्स्ट न्यूज़ थी। इवन जो टारगेट है एम के रिसर्च ने जो इसका टारगेट सेट किया था 30 अप्रैल को 108 रुपये, और चीज़ें काफ़ी इवन बेटर हैं, तो ऑफकोर्स ये अपना जो ये टारगेट है एमके रिसर्च का ये अचीव कर लेगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके रिजल्ट की बात करें जो Q4 का, तो ऑफकोर्स जो कि इसका नेट प्रॉफिट वो फॉल हुआ है 31%, जो कि इवन काफ़ी इवन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको बताया भी था।
बट थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिला है नेट प्रॉफिट की बात करें तो। और ये न्यूज़ है, ये हर जगह फ्लैश थी, इवन हर जगह ये न्यूज़ आई हुई थी, जो जिसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स जो कि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वैसे ही यहाँ पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिला था कि जब ये जब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था उस टाइम पर ये करीब करीब 95 रुपीज़ के आसपास का शेयर हुआ करता था और एट प्रेजेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 85 रुपये के आसपास इसका फ्लक्चुएशन आपको मार्केट में मिलता है। सो गाइस चीज़ें काफ़ी बेटर है, बट एक आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो न्यूज़ आई थी 13 अप्रैल को कि L&T फाइनेंस होल्डिंग्स गेन ओवर 4% आफ्टर मर्जर ऑफ सब्सिडरीज कम्स इनटू इफेक्ट। सो गाइस ये न्यूज़ हर जगह फ्लैश हुई थी, बोर्ड ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अप्रूव स्कीम ऑफ अमलगेमेशन, जो कि एक वीडियो के थ्रू मैंने आप तक ये न्यूज़ पहुंचाई थी। सो गाइस इसको अभी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करें एंड लंबे टाइम के लिए एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है। सो गाइस इससे पहले की बात करें तो इसने जो कि राइट इशू भी निकाला था उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने पार्ट भी लिया था इवन, तो गाइज उनमें से मैं भी ऑफकोर्स मैं भी उसमें था इवन, तो उस टाइम पर मेरे को भी कम प्राइस में ये कुछ शेयर मेरे को मिले थे। सो गाइज इवन लंबे टाइम के लिए इसको ले सकते हैं और एक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो थैंक्स लॉट वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।